नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज। नवरात्रि के इन पावन दिनों में जो किडनी के मरीज व्रत रखना चाहते हैं लेकिन किडनी में खराबी की वजह से व्रत नहीं रख पाते, तो उनके लिए स्टॉप किडनी डायलिसिस लेकर आ रहा है नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज। जी हाँ, नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम आपको बताएंगे हर रोज एक नए फलहार की रेसिपी जो किडनी पेशेंट अपने डाइट में ले सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप किडनी रोगी हैं तो हमारा सुझाव है कि आप सारे व्रत ना रखें, आपको सिर्फ एक या दो ही व्रत रखने चाहिए। इससे आप अपनी आस्था के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख पाएंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं, साथ ही आपको किडनी के लिए कौन से आहार सही हैं इसके बारे में भी बताते हैं। आज का हमारा विषय है कि किडनी के लिए ब्रोकली कितनी फायदेमंद है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के विषय की और जानते हैं ब्रोकली के कुछ फायदे। वर्तमान समय में ब्रोकली काफी लोकप्रिय सब्जी है। ब्रोकली में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन ए और विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके सेवन से आपको कई तरह के फायदे होते हैं। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए ब्रोकली का सेवन काफी गुणकारी माना गया है। ब्रोकली में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपकी किडनी में खराबी लाने वाली सभी समस्याओं को दूर करने में सहायता करते हैं। कुछ किडनी रोगी को ब्रोकली खाने की सलाह दी जाती है। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि किडनी के मरीजों का आहार उनके रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, इसलिए उन्हें आहार में क्या देना है और क्या नहीं इस बात की सही जानकारी आपको आपके डॉक्टर दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय पर और जानते हैं ब्रोकली के कुछ और फायदों के बारे में। ब्रोकली का पहला फायदा है कि आपको डायबिटीज के खतरे से दूर रखता है। ब्रोकली का सेवन आपके ब्लड में शुगर के स्तर को कंट्रोल करने का एक अच्छा साधन है। ब्रोकली का सेवन आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा सही रखता है, जिससे आपके शरीर में शुगर सामान्य रहता है। ब्रोकली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है। नेक्स्ट है, ब्रोकली आपके हार्ट को सुरक्षित रखती है। अगर आप सही मात्रा में ब्रोकली का सेवन करते हैं तो ये हार्ट से जुड़ी समस्या को दूर करती है। जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है तब हार्ट की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ब्रोकली में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर की उन सभी कमियों को दूर करते हैं जो हार्ट के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगला है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। ब्रोकली में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। ब्रोकली में ग्लूकोसिनोलेट्स और विटामिन सी होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। इसलिए ब्रोकली का सेवन आपके लिए अच्छा होता है क्योंकि ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। अगला है, ये शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता। अगर आप नियमित मात्रा में ब्रोकली का सेवन करते हैं तो इसमें पाया जाने वाला सल्फोराफेन आपके शरीर में बढ़ने वाले कैंसर सेल्स को रोकता है, जिससे आप कैंसर से दूर रहते हैं। आप अपने आहार में ब्रोकली को शामिल करें, इससे आप इस बीमारी से दूर रहेंगे। ऐसे ही ब्रोकली के कई फायदे हैं। ब्रोकली में कैलोरी कम मात्रा में होती है, साथ ही इसमें सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होते हैं जो सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उन्हें अपने आहार में ब्रोकली को शामिल करना चाहिए। ब्रोकली में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो वजन को नेचुरल तरीके से कम करने में सहायक हैं। ब्रोकली का अगला फायदा है कि आपकी बोन्स को मजबूत बनाते हैं। ब्रोकली में भरपूर मात्रा में विटामिन के, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं जो बोन्स को मजबूत बनाते हैं। हम आपको हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं कि जब किडनी सही मात्रा में डिटॉक्स होती है तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आप बीमार कम पड़ते हैं। साथ ही ब्रोकली का सेवन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है ताकि आपका शरीर रोगों से लड़ने के काबिल बन सके। ब्रोकली में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर रखता है। ब्रोकली का सेवन खाने में हल्का होता है, जिससे ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और इससे किडनी के काम में दबाव नहीं पड़ता। जब किडनी अपना काम सही तरह से करती है तो आपका यूरिन सही मात्रा में रिलीज होता है, आप यूरिन इन्फेक्शन से भी दूर रहते हैं। तो ये थे ब्रोकली के कुछ फायदे जो आपके शरीर के लिए लाभदायक हैं। जिन्हें किडनी में कोई भी समस्या है उन्हें इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है। जिन लोगों को किडनी में कोई भी समस्या है वो अपने जीवन में आयुर्वेदिक उपचार को शामिल करें। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में पूरी तरह प्राकृतिक इलाज मिलता है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।
आयशा परवीन, जिसको डायलिसिस के लिए एडवाइस कर दिया गया था खुर्जा में, आज वो डायलिसिस के प्रोटोकॉल से, डायलिसिस की प्रक्रिया से टोटली बाहर आ चुकी है। ना केवल ट्रीटमेंट कम हुआ है, यूरिया कम हुआ है, फिजिकली भी स्टेबल हुई है, फिजिकली भी अब डायलिसिस की रिक्वायरमेंट उनको नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज एक पेशेंट और जुड़े हैं हमारे साथ और जानेंगे उनसे क्या क्या समस्याएं हो रही थी और क्या कैसे कैसे उन्होंने समस्याओं को मात दी, कैसे कैसे उस समस्याओं को हराया और आज वो हैं जो आगे की तरफ इस बीमारी को हराने के लिए आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। जानेंगे उनसे क्या नाम है इनका, पेशेंट का क्या नाम है। जी, ये पेशेंट हैं आयशा परवीन और ये मेरी बड़ी बड़ी बहन है और हमारे घर के करीब में ही रहती हैं। इनको काफी टाइम पहले से प्रॉब्लम थी और जो प्रॉब्लम थी वो कुछ और थी, तो हमने अचानक में एक बार टेस्ट कराया तो उसके अंदर इनका 89.625 आया था फर्स्ट टाइम। और फिर उसके बाद में हम लोगों को काफ़ी लोगों ने सलाह दी कि आप वहाँ जाइए, बहुत जगह उनके बारे में बताया कि फला जगह किडनी स्पेशलिस्ट हैं, फला जगह किडनी स्पेशलिस्ट हैं। तो फिर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप दिल्ली जाइए कर्म आयुर्वेदा, वो किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, उसके अलावा आप कहीं नहीं जाइए। तो हम कहीं नहीं लेकर गए, फर्स्ट टाइम यहीं पर लेकर आए। तो जब हमने यहाँ क्या कहते हैं यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है हमारा, तो उस टाइम पर 6.25 था 89 और अभी यानी कि लगभग 1.5 महीना हुआ है और दवा को खाते हुए, और इस टाइम जो है 4.6 है। टेस्ट कहाँ से कराया आपने आयशा परवीन के? टेस्ट अपने ही कराए थे लोकल में ही, जो हमारे यहाँ बहुत अच्छी पैथोलॉजी लैब है वहां से हमने टेस्ट कराए थे दोनों बार। रिपोर्ट दिखाएं कैमरा में, पहले कितना था क्रिएटिनिन इनका? जी सर, पहले था हमारा ये 6.25। ये हमारी जांच है 19/8/2020 की है। ये सामने दिखाओ कैमरा में दिखाओ, ये 19/8/2020 नारायणा से कराई है 19/8/2020। अच्छा, और क्रिएटिनिन कितना है इसमें दिखाओ? 6.25। यूरिया बताओ, यूरिया 95.7। अच्छा, और उसके बाद ये हमने कराई है अभी, तो इसमें आया है यूरिया 71.1 और क्रिएटिनिन आया 4.6। ये हमने कराई है 2/10/2020 को। अच्छा, काफी रिड्यूस हो गया, यूरिया भी रिड्यूस हुआ, क्रिएटिनिन। दोनों रिपोर्ट साइमल्टेनियसली साथ में दिखाएंगे, दूसरे हाथ में दूसरी रिपोर्ट, काफी कंपेरिजन हो। क्रिएटिनिन पहले जो था वो आपका काफी बड़ा हुआ था, बड़ा था पहले तो, जी जी जी, इंक्रीज करता चला जा रहा था, 6.25 था, 4.6 आ चुका है पहले क्रिएटिनिन, यूरिया 95.7 था, 71 की रेंज में आ चुका है। सर, इसी रिपोर्ट के आधार पर हम नेक्स्ट टाइम दवा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हम यहाँ से समथिंग 150 किलोमीटर है खुर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, खुर्जा अलीगढ़ के पास, खुर्जा से आए हैं ये जी, और ये काफी 150-200 किलोमीटर है यहाँ से। जी जी जी, और दिक्कत भी काफी थी उस समय, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो अभी और फिजिकल लेवल पर आयशा को क्या क्या दिक्कत आ रही थी पहले और आप कैसे कैसे है फिजिकली उसका? पहले क्या होता था कि उनको जब काफी दिन में, लगभग 10 दिन में 12 दिन में एक बार भूख लगा करती थी, और कभी आधी रोटी खा ली तो वॉमिटिंग चालू हो जाती थी उनको, और ये काफी टाइम से होता, उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। एक बार जब उनकी हालत बहुत ज्यादा डाउन हो गई, जब वो कमजोर होने लगी, तब हमने कहा कि तुम किसी को दिखाओ। फिर हम उनको लेकर एक जगह गए, धर्मशिला हॉस्पिटल गाजियाबाद में, वहां इनकी जांच हुई थी, एक जांच हमने खुर्जा में कराई थी, तो उसने भी यही चीज बताई थी। फिर हमने धर्मशिला हॉस्पिटल में एक जांच कराई थी, वहां भी यही रिजल्ट आया, तब उसके बाद हम यहाँ लेकर आए थे। तो आयशा परवीन, जिसको डायलिसिस के लिए एडवाइस कर दिया गया था खुर्जा में, आज वो डायलिसिस के प्रोटोकॉल से, डायलिसिस की प्रक्रिया से टोटली बाहर आ चुकी है। ना केवल ट्रीटमेंट कम हुआ है, यूरिया कम हुआ है, फिजिकली भी स्टेबल हुई है, फिजिकली भी अब डायलिसिस की रिक्वायरमेंट उनको नहीं है। इन्होंने अपने आने के बाद जब इनको फायदा हुआ तो और कई पेशेंट्स को बताया, वो भी आए और उनको भी फायदा नजर आया। क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे आयशा परवीन जैसे फायदा हुआ, ऐसे अनगिनत पेशेंट है विश्व भर के जो किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सर, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी मेरे टच में आएगा, जो मुझसे कभी पूछेगा, और जैसे कि अभी भी पूछते हैं, मैं काफी लोगों को यहाँ का नंबर दे चुका हूँ,
यहाँ बेच चुका हूँ और कुछ लोगों को उसमें यानी इस एक डेढ़ महीने के अंदर शायद उनको कुछ फायदा भी हुआ हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो आए या नहीं आए मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम तो वो यहाँ पर आ चुके हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी किडनी के पेशेंट हैं यहाँ से बेस्ट, इस जगह से बेस्ट कोई जगह नहीं है। किसी और जगह हम जाएंगे तो वहाँ खर्चा बहुत ज्यादा रहता है, कभी कभी आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है, और फिर उसमें यह है कि आदमी धीरे 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 डेथ के करीब पहुंचता चला जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने ये महसूस किया कि जो हमारा पेशेंट था जिससे चला भी नहीं जाता था, अब वो वॉक भी करते हैं। और ऐसे ही मुझे किसी ने बताया था जब यहाँ, मुझे बता के यहाँ भेजा था आपके पास में सर, और ऐसे ही मैं आगे बहुत लोगों को बताऊंगा। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है किडनी की, तो प्लीज आप यहाँ के अलावा कहीं ना जाएं। चला भी नहीं जा रहा था और आज वॉक भी कर रही है प्रॉपर, अपना डे टू डे प्रॉपर उनका चल रहा है। पहले बेड पे रहती थी, चलना फिरना भी नहीं था, बिल्कुल दुर्लभ था उनका, मुश्किल था, उस समय उठा भी नहीं जाता था, दो लोग सहारा देकर उठाया करते थे, और अब क्या है कि वो खुद अपने आप उठ जाती है। अच्छा जी, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी चीज है, बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, रिजल्ट बहुत अच्छे नजर आए हैं। एंड रिपोर्ट्स स्पीक लाउडर देन एनीथिंग, रिपोर्ट्स में लिख सकते हैं किस प्रकार ट्रीटमेंट कम हुआ, यूरिया कम हुआ, और गंभीर बीमारी को मात देने की तरफ आयशा परवीन बढ़ चुकी है, जो खुर्जा यूपी निवासी है। और आज ना यूरिया केवल ना ट्रीटमेंट बल्कि फिजिकल लेवल पर भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए, चलने फिरने में असमर्थ होने के बाद अब वो चल रही है, प्रॉपर अपना काम भी कर पा रही है। लेकिन सर जैसे आपने बताया था, उन्होंने परहेज का बहुत ध्यान दिया, आपने जो चीज बताई है, अगर एक ग्राम तो सवा ग्राम भी नहीं है और पौन ग्राम भी नहीं है, जो चीज आपने जैसे बताई है उन्होंने वैसे ही इस्तेमाल किया है, उन्होंने परहेज पे बहुत ज्यादा फोकस किया। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, मेडिसिन आप टाइम टू टाइम लीजिए, डाइट आपको बता रहे हैं वो फॉलो कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है वो फॉलो कीजिए, और जो जो आपको सेशन यहाँ पे दिए जाते हैं वो सारे सेशन को फॉलो करने के साथ साथ आपकी इंप्रूवमेंट परसेंटेज बढ़ती चली जाती है और बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर आप में डिसिप्लिन है फॉलो करने का चीजों को, तो गंभीर बीमारी को मात देना मुश्किल नहीं है, इस गंभीर बीमारी को मात दिया जा सकता है, आवश्यकता है तो डिसिप्लिन की, विल पावर की। सर यहां आने से पहले हमें लगता था कि ये बीमारी जो है मौलिक बीमारी है, जिसे बोलते हैं कि ये जानलेवा बीमारी है। यहाँ आने से पहले हमें लगता था सर, जब जिस टाइम पे हमारी सिस्टर की तबीयत खराब हुई थी तो सर हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे गली मोहल्ले में भी कई केस ऐसे हो चुके थे। ये इनका रिजल्ट सामने आने, इनकी रिपोर्ट आने से पहले भी समथिंग 15-20 दिन पहले एक हमारी गली में डेथ हुई थी, वो किडनी रिलेटेड थी उनकी प्रॉब्लम, तो सर हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन सर यहाँ आगे हम लोगों यहाँ आगे हमें जाना है कि वाकई में इसका इलाज है, अगर इलाज है तो वो कर्म आयुर्वेदा है। रास्ता नहीं दिखता लोगों को भी, जाना कहाँ है, चलना सब चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं पहचान में आता, चलें कैसे, कहाँ जाएं, एक डायरेक्शन नहीं मिलती उनको। आपने बताया कि असाध्य बीमारी है, मौलिक बीमारी है, कि इस बीमारी को ये जानलेवा बीमारी है जी। और ये जो है आप बता रहे हो कि आपने गली में देखा ऐसे ऐसे केस हुए, ये एक हकीकत बात है, इतने मरीज हैं किडनी के आज के डेट में, आज की तारीख में, अगर वो लग के सब चीजें फॉलो करें तो रिजल्ट बहुत अच्छे नजर आएंगे। जब आयशा परवीन को रिजल्ट आ सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं आ सकते? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आ सकते हैं सर। हमने दो एक छोटी सिस्टर को और एक मेरी मम्मी है, दो लोग सिर्फ उनकी देख रेख के लिए रहते हैं हम लोग, तो यानी हमने ये चीज देखी है कि जैसे हम दवा खाएंगे और जैसे जैसे उसको परहेज करेंगे वैसे वैसे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। स्टॉप किडनी डायलिसिस,